होनी चाहिए। आखिर यहाँ लाने का आशय क्या है भगवान? तुम्हारी बहन नहीं आई, तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी नहीं आए, तुम क्यों आए? तुम्हारे बच्चे आए या तुम आए? उसी दिन से जब हम भी सत्संग में आए, बहुत संसार में काम करने का बहुत शौक था अपने अंदर, कुछ करेंगे करेंगे, सोचा अच्छी नौकरी कर लेंगे, कोशिश भी करी, सब कुछ किया भी। फिर एक दिन पता नहीं अचानक बैठे बैठे सत्संग में ऐसा विचार आया, चलो संसार में तो कोई पद नहीं मिला, अब यहाँ की हर बात को मुझे समझना है। आखिर ज्ञान है क्या? गुरु जी भी कहते थे कि रहीम करीम कबीर पढ़ के लिए हिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो शाब्दिक अर्थ आते थे, आध्यात्मिक अर्थ नहीं आता। वो एक दुआ था ना, वो उसका अमल वाला, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्त जल में वासा, जल में नलिनी पूर निवास। अब शाब्दिक अर्थ को लिखा, लेकिन जब सत्संग में आए तो इतना अच्छा लगा, मन किया हिंदी में पीएचडी करना, इतना अच्छा लगा यहाँ पर। हर चीज़ का कितना आध्यात्मिक, हमको मूर्त और अमूर्त लिटरेचर बीए में था हमारा, हम भूल जाते थे मूर्त क्या, अमूर्त क्या, मूर्त हम मूर्ति समझ लेते, अमूर्त माना मेरा नहीं, मूर्त माना ये जो शरीरधारी भगवान की जो ये सब मूर्त रूपी थे परमात्मा। इंसान को देख के तो मूर्तियां बनी हैं, इंसान ने तो मूर्तियां बनाई हैं, इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की तुम पूजा करते हो और जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां उन पे अवहेलना करते हो। इंसान इंसान का अपमान करते हो और मूर्तियों की जाके मंदिर में बहुत तुम पूजा पाठ करते रहते हो। जब तुमको घट घट में परमात्मा का दीदार होने लगे, ये है सच्चा वेदांत, तब तुम्हारे अंदर की वेदना खत्म होगी। यही वेदों का अंत है, यही वेदांत है। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। वो तुम्हारे पास भी वही साई है, सामने वाला भी वही। जब तुम किसी को भी आध्यात्मिक सुख की समझ दे पाओ, तब समझना तुम्हारी जिंदगी जीनी सफल है। जब सबके अंदर में सच्ची जानकारी दे पाओ, सच्ची जागृति दे पाओ, इसलिए बंदा आया जहाँ में, क्यों तुम्हें अपनी सर्विस है। जब तुम खुद अपनी जागृति में नहीं रहते तो दूसरों को भी नहीं जागृति में रख पाओगे। सोया हुआ आदमी किसी को नहीं जगा सकता, जागा हुआ कितनी भी गहरी नींद में कोई सोया हुआ उसको जगा पाएगा कि नहीं? दुनिया में वो सब सोए पड़े हैं, कोई तन के सुख में, कोई मन के सुख में, कहीं ना कहीं किसी न किसी सुख में इंसान अटका पड़ा है। ये तो गुरु की कृपा है जो वाणी के माध्यम से हर दिन हम सब लोगों को जागृति मिलती है कि मानव जाग जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले जीवन की शाम होते होते। तो ये पूरी अपने अंदर में हम देखें हमारी इच्छा किस दिशा में है। सत्संग में आने की इच्छा अच्छी है, जिंदगी का मेरे कल्याण हो जाए ये संकल्प है, शुभ इच्छा। तो ये तुम जरूर अपने अंदर में विचार करके देखना, जो कल तक होगी जिंदगी जी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी में जरूर परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि मान